Chapter 10 Automation in Manufacturing or Unit 10.2 Introduction to SIM. SIM yani Computer Integrated Manufacturing. SIM, Computer Integrated Manufacturing, कंप्यूटर का उपयोग करके संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया को नियंत्रित करने की मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच है. सिम, जिसको हिंदी में कंप्यूटर एकीकृत उत्पादन भी कहते हैं, एक एडवांस्ड बिजनेस फिलॉसफी है, उन्नत व्यवसायिक दर्शन है, जो किसी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को यूनाइट करता है, यानी एकीकृत करता है. सिम में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की प्लानिंग और कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी का एक सेंट्रल रोल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. आईटी जो है वो कंप्यूटर और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का उपयोग करता है और डिफरेंट ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, यानी कि जैसे कि कैड, अगर अपन बात करें सीएडी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, देन कैम, सीएएम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, देन रोबोटिक्स, देन कैप, CAPP, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस एंड प्लानिंग, देन कंप्यूटर एडेड इन्वेंट्री कंट्रोल, आदि आदि को, जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, को परस्पर इंटरकनेक्टेड सिस्टम में बदलता है, जो परस्पर सभी ऑर्गेनाइजेशनल कार्यों में सहयोग करते हैं. यानी जो वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, उन सबको वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाता है और ये सारे डिपार्टमेंट्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर सिम के अंतर्गत, यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत कार्य करते हैं. सिम का लक्ष्य एक ऑपरेशन के अंदर सभी कार्यों के बीच सभी बाधाओं को दूर करना है. यानी आपने कुछ प्लान किया, प्लान करके जब आप उसको शॉप फ्लोर पर लेके गए तो मालूम पड़ा, जो प्लानिंग के अंदर जो आपने टाइम कैलकुलेशन किया था, मालूम पड़ा कि शॉप फ्लोर के ऊपर वो जिस मशीन्स पे या जिस सीक्वेंस में वो काम होना था वो पॉसिबल नहीं होगा, अब पॉसिबल नहीं होगा, मशीन टर्न डाउन है या वो टूलिंग नहीं है, तो ये चीज अपन को तब जाके मालूम पड़ेगी. लेकिन अगर हम सिम पे काम कर रहे हैं तो जिस वक्त ये प्रॉपर प्लानिंग शुरू होती है तो सारे डिपार्टमेंट्स इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, तो तुरंत उसी वक्त ये सूचना मिल जाएगी कि भाई शॉप फ्लोर पे ये काम इतने टाइम ड्यूरेशन में नहीं हो पाएगा ड्यू टू दिस रीजन. तो या तो हम वो रीजन दूर करें तो ये काम उस पर हो जाएगा, या हमें वापस रीथिंक करना पड़ेगा अपने टाइम कैलकुलेशन के ऊपर और फिर हमें एक नया प्लानिंग करनी पड़ेगी उसी हिसाब से. तो इस तरीके से आप देखिए कि सिम के द्वारा एक ही प्लेटफॉर्म पे हम ये सारी चीजें कर पाते हैं और बीच की जो हिंड्रेंसेस हैं, आपस की जो बाधाएं हैं, उनको हम दूर करते हैं. तो सिम में मार्केटिंग, ऑर्डर एंट्री, अकाउंटिंग, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स आदि आदि सभी डिपार्टमेंट को पूरे प्रोसेस ऑपरेशन में मिलकर कार्य करना होता है. यानी सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर रह के आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करके कार्य को पूर्ण करते हैं. सिम में कंप्यूटर द्वारा प्रत्येक ऑपरेशन या वर्क को आपस में लिंक करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है एक दूसरे से, और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज जो भी हैं, टॉप मैनेजमेंट, सीएमडीज हैं, चाहे एमडीज हैं, चाहे टॉप ब्रास ऑफिसर्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग डिसीजंस लेते हैं
तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज को नेसेसरी इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाता है, जिससे कि वो लोग सही समय पे सही डिसीजन ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए, वास्तविकता को देखते हुए वो तुरंत डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। सिम में जो भी कार्य किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम है, आप प्लानिंग भी कर रहे हैं, आप टूलिंग भी कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग भी कर रहे हैं, आप इन्वेंटरी कंट्रोल भी देख रहे हैं, तो इस तरीके से कि सिम में जो विभिन्न कार्य किए जाते हैं वो एक सीक्वेंस में नहीं किए जाते, वो बल्कि पैरेलल में किए जाते हैं। यानी कि आपने प्रोसेस प्लानिंग की, आपने डिसाइड कर लिया कि ये ऑपरेशन होगा, अब उस ऑपरेशन को जिस मशीन पर करना है क्या उसकी टूलिंग आपके पास अवेलेबल है, तो जैसे ही ये सिम के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चीज डिसाइड होगी, तुरंत टूलिंग डिपार्टमेंट अपना स्टॉक चेंज करके देखेगा कि वो टूलिंग्स अवेलेबल हैं या नहीं है। वो उस दिन तक वेट नहीं करेगा कि ये प्रोडक्ट जब मेरे पास आएगा, असेंबली लाइन के अंदर आएगा, तब मैं इसकी टूलिंग का ऑर्डर दूंगा और ये काम होगा। नहीं, जैसे ये चीज फाइनल हुई, सिम के ऊपर फाइनल हुई, तुरंत टूलिंग डिपार्टमेंट उसके टूल्स के लिए ऑर्डर कर देगा और वो ऑर्डर का प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या डिफरेंट जो प्रोसेस हैं, ऑपरेशंस हैं, वो सीक्वेंस में, सीक्वेंस है मतलब एक के बाद एक नहीं बल्कि लगातार कंटिन्यूएशन के अंदर, पैरेलल के अंदर वो चीजें तो की जाती हैं, जिससे कि प्रोसेस को स्पीडली या त्वरित गति से अपन पूरा कर पाते हैं। सिम की पोटेंशियल या क्षमता, यानी सिम की जो पोटेंशियलिटी है वो नेटवर्क बनाने में। अब नेटवर्क किसका बनाना है? एम्प्लॉइज का बनाना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो वेरियस मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, उनका बनाना है, टॉप मैनेजमेंट का बनाना है, वेंडर्स का बनाना है। तो इस तरह का ये जो एक नेटवर्क बनाया जाता है वो बनाया जाता है, इससे निर्णय में तेजी लाई जाती है सिम के उपयोग से, कि आप जो भी डिसीजन हैं आप तुरंत ले पाते हैं, आपको उस डिसीजन के लिए वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि रियलिटी आपके सामने, सारे डिपार्टमेंट्स की, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की आपके सामने पूरे प्रेजेंट सिचुएशन मौजूद रहती है, तो आपको डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होती। इसी तरीके से वेस्ट को आप मिनिमाइज कर पाते हो, रिजेक्शन आपका कम से कम होगा, कस्टमर्स के जो रिस्पॉन्स हैं, कस्टमर का जो भी रिस्पॉन्स आया उसको आप गति दे पाते हो, गति आप दे पाते हो, स्पीड अप कर पाते हो उसके रिस्पॉन्स को। तो ये सारे सिम्स के कुछ फैक्टर्स हैं। देखिए, सिम महंगा होता है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम महंगा होता है, और उन पुरानी पॉलिसीज में बदलाव की आवश्यकता होती है जो पुराने तरीके से काम करती हैं। किसी डिपार्टमेंट में जो पुरानी पॉलिसीज, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज चल रही हैं और उस पुराने हिसाब से, ढर्रे से जो काम चल रहा है, उनको आपको चेंज करना पड़ता है। और हमेशा एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब भी आप किसी चेंज के ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको फील करना पड़ता है। तो ये एक होता है कि जब इंडस्ट्रीज सिम की तरफ स्विच ओवर करती हैं तो पुरानी पॉलिसीज आपको चेंज करनी पड़ती हैं और उससे आपको थोड़ा रेजिस्टेंस मिलता है। एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा, सिम जो है वो क्लोज लूप कंट्रोल प्रोसेस पर निर्भर करता है या कार्य करता है, ये ओपन लूप कंट्रोल प्रोसेस के ऊपर काम नहीं करता। सिम जो है वो क्लोज लूप कंट्रोल प्रोसेस पर निर्भर करता है और उस पर काम करता है। यह सिम यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो चार्ट है।